नमस्कार, न्यूज इंडिया देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ नीतू गुप्ता। खबरों की शुरुआत करेंगे। पीएम नरेंद्र मोदी ने आज एक बेटे और एक पीएम दोनों का फर्ज निभाया। बेटे का कर्तव्य निभाते हुए पहले उन्होंने अपनी मां हीरा बा को नम आंखों से विदाई दी। वहीं दूसरी पीएम नरेंद्र मोदी की तस्वीर जब हमने देखी तो यही कहा कि कर्तव्य पथ पर पीएम चले। पीएम का कर्तव्य निभाते हुए देश को सातवीं वंदे भारत की सौगात दी। पीएम नरेंद्र मोदी ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए से कोलकाता में वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन को हरी झंडी दिखाकर उसे देश को समर्पित किया। ये वंदे भारत ट्रेन 1 जनवरी से बंगाल के हावड़ा से न्यू जलपाईगुड़ी रूट तक का सफर तय करेगी। इस वंदे भारत सुपरफास्ट ट्रेन में हर तरह की आधुनिक सुविधाएं होंगी। वहीं वंदे भारत को हरी झंडी दिखाने के बाद पीएम नरेंद्र मोदी ने कहा, बंगाल के कणकण में आजादी का इतिहास समाया हुआ है। जिस धरती से वंदे मातरम का जय घोष हुआ, वहां से वंदे भारत को हरी झंडी दिखाई गई। देश को सातवीं वंदे भारत एक्सप्रेस मिली। पश्चिम बंगाल से न्यू जलपाईगुड़ी का सफर ये जो ट्रेन है वो तय करेगी। इसी खबर पर सहयोगी गौरव मिश्रा मेरे साथ जुड़ गए हैं सीधे तौर पर। गौरव, आज जिस तरह से हमने पीएम नरेंद्र मोदी को देखा, नम आंखों से मां को विदाई दी और उसके बाद कर्तव्य पथ पर लौटे, हर कोई यही कह रहा है कि ये कर्म पथ पर पीएम की जो तस्वीर आज देखी वो वाकई अनोखी रही। और बिल्कुल देखें, साफ तौर पर देखें, जिस तरीके से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को एक सूचना मिलती है कि उनकी जो माताजी हैं उनका निधन हुआ, और उसके बाद से अगर हम देखें सुबह से लगातार जिस तरीके से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी खुद अहमदाबाद पहुंचते हैं और अंतिम संस्कार में शामिल होते हैं, और आज के जितने प्रस्तावित कार्यक्रम प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के होते हैं उन सभी प्रस्तावित कार्यक्रमों में से सबसे जो महत्वपूर्ण कार्यक्रम आज पश्चिम बंगाल का प्रधानमंत्री का जो दौरा था, क्योंकि प्रधानमंत्री इस पूरे कार्यक्रम का हिस्सा बनने वाले थे। तकरीबन 7,000 करोड़ से ज़्यादा की जो परियोजनाएं थी उन तमाम परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास का कार्यक्रम था। विभिन्न परियोजनाएं थी और उसी परियोजना में जो सरकार की सबसे महत्वाकांक्षी परियोजना है 75 वंदे भारत एक्सप्रेस को पूरी तरीके से अलग अलग राज्यों को सौंपना, आज जो है सातवीं वंदे भारत एक्सप्रेस को हरी झंडी दिखाना था। हालांकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस पूरे कार्यक्रम में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से जुड़े वो वहां पहुंच नहीं सके, लेकिन उन्होंने इस पूरे कार्यक्रम की अगर हम बात करें, जिस तरीके से रात भर के जगे हुए प्रधानमंत्री थे उसके बाद सुबह इस पूरे कार्यक्रम में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के थ्रू जुड़ते हैं और ये सातवीं वंदे भारत एक्सप्रेस को हरी झंडी दिखाते हैं, निश्चित तौर पर कहा जा सकता है कि उन्होंने अपना कर्तव्य जो है वो सबसे महत्वपूर्ण रखा, सबसे ऊपर रखा, कर्तव्य को पूरा किया। और उसके बाद उन्होंने देश की जो सेवा करने की बात अक्सर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कहते हैं उस पर भी उन्होंने उस बात का अमल किया, और उनका जो संबोधन था उन्होंने उस पर संबोधन भी दिया और तमाम तरीके की बातें उन्होंने कही। खास करके अगर हम इस वंदे भारत एक्सप्रेस की बात करें, 1 जनवरी से इसका संचालन जो है वो शुरू कर दिया जाएगा और इस पूरे संचालन की जो शुरुआत होगी ये कहीं ना कहीं अगर हम देखें तो खास करके पश्चिम बंगाल के लिए पहली, पश्चिम राज्य के लिए पहली वंदे भारत एक्सप्रेस है, लेकिन सातवीं वंदे भारत एक्सप्रेस आज जो है रेल मंत्रालय ने सौंप दिया है। और ये जो वंदे भारत एक्सप्रेस होगी फिलहाल न्यू जलपाईगुड़ी से हावड़ा तक चलेगी, और इसकी अगर हम बात करें जिस तरीके से इसको बनाया गया है, मेक इन इंडिया के की तकनीक पर इसको बनाया गया है, 75 इसमें चेयर कार हैं, और आने वाले दिनों में जितनी भी वंदे भारत एक्सप्रेस आनी है, क्योंकि आज़ादी के अमृत महोत्सव के तहत प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लाल किले की प्राचीर से इस बात को कहा था कि 75 वंदे भारत एक्सप्रेस, यानी कि अब रेलवे जो है उस लक्ष्य को साधने में लग गया है। अभी हाल ही में अहमदाबाद से मुंबई के बीच वंदे भारत एक्सप्रेस शुरू की गई, उसके बाद हिमाचल प्रदेश को वंदे भारत एक्सप्रेस की सौगात दी गई, और अब कहीं ना कहीं पश्चिम बंगाल में वंदे भारत एक्सप्रेस की एक नई सौगात जो है वो दी गई है। यानी कि आने वाले दिनों में भारत में जो हाई स्पीड ट्रेनों की बात हो रही है, हम एक तरफ बुलेट ट्रेन की भी बात कर रहे हैं, बुलेट ट्रेन प्रोजेक्ट जो कि लगभग 70% उसका काम जो पिलर का वो पूरा हो चुका है, दूसरी तरफ हाई स्पीड ट्रेनों की श्रृंखला में बढ़ोतरी लगातार रेलवे कर रहा है, तो ये सब जो तकनीक है ये मेक इन इंडिया के तर्ज पे लगातार ये चीजें जो है वो चल रही हैं। बिल्कुल, ऐसे में गौरव अगर हम बात करें कोलकाता की, पश्चिम बंगाल की बात करें, हाईटेक ये ट्रेन जिस राज्य में इसका उद्घाटन हुआ, इसे हरी झंडी दी गई, उसका संचालन हुआ, आज वहां लोग सुविधा और लाभ इस ट्रेन का ले रहे हैं। लेकिन हाईटेक शहर की अगर बात करें, कोलकाता हाईटेक शहरों में आता है, यहाँ के लिए कितनी बड़ी उपलब्धि कही जा सकती है कि वंदे भारत एक्सप्रेस का अब संचालन होगा 1 जनवरी से।
देखिए अपने आप में बहुत बड़ी उपलब्धि है। अक्सर अगर हम देखें, क्योंकि भारतीय रेलवे की अगर हम बात करें, पिछले तकरीबन 4 से 5 सालों में भारतीय रेलवे ने जो स्पीड की श्रृंखला में क्रांति की है, खास करके जो डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर बनाए गए, मालगाड़ियों के आवागमन को बिल्कुल सुगम बनाने के लिए, ट्रेनों के टाइम टेबल को सुधारने के लिए जो ट्रैक्स हैं लगातार उनका जो मरम्मत का काम है वो चलता रहा, बहुत सारे नए ट्रैक भी बनाए गए, इससे कहीं ना कहीं जो एक लेट लतीफ़ी होती थी तमाम यात्रियों को, जो एक एक जो अपने मन के अंदर दुविधा होती थी कि ट्रेन की जो यात्रा है वो सुगम नहीं है, बहुत लेट लतीफ़ी होती है, ऐसे में वंदे भारत का जो प्रयोग किया गया, आपको ध्यान हो नीतू की पहली वंदे भारत एक्सप्रेस राजधानी नई दिल्ली से काशी के लिए चलाई गई थी, बाबा विश्वनाथ की नगरी के लिए, जो कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का संसदीय क्षेत्र है, तब से इसकी शुरुआत हुई। और जब ये वंदे भारत एक्सप्रेस चलाई गई उसके बाद से ट्रेनों की श्रृंखला में एक नई तरीके का परिवर्तन देखने को मिला, क्योंकि वंदे भारत एक्सप्रेस की अगर बात करें, तकरीबन अगर इसकी रफ्तार की बात करें तो ये 160 किलोमीटर तक की रफ्तार से बिल्कुल आरामदायक तरीके से रनिंग कर सकती है। इसके अलावा अगर हम बात करें, इसका सफर इसलिए भी बहुत शानदार हो जाता है क्योंकि इसके जो कोचेस हैं, अंदर जो बैठने की व्यवस्थाएं हैं, वो जो चेयर कार है वो बहुत उत्तम तकनीक से बनाया गया है, स्पीड अच्छी है, टाइम टेबल इसका अच्छा है, और जो इसको बनाने का काम है वो चेन्नई की ICF कोच फैक्ट्री है जहां इसको तैयार किया जा रहा है। और मैंने आपको शुरू में बताया कि जिस तरीके से इसको मेक इन इंडिया के तकनीक पर तैयार किया जा रहा है, खास करके इसको बनाते समय इस बात का भी ध्यान रखा जा रहा है, अक्सर कई बड़े रेल हादसे होते हैं तो इसमें कवच तकनीक का इस्तेमाल किया गया है जो कि इस ट्रेन को बड़े रेल हादसों से सावधान करेगा। ये जो तकनीक है अब आने वाले सभी नई वंदे भारत ट्रेनों में, हाई स्पीड ट्रेनों में कवच तकनीक का इस्तेमाल जो भारतीय रेलवे कर रहा है। ये जो हाईटेक सुविधाओं से लैस ट्रेन है ये पश्चिम बंगाल को भी मिल चुकी है, वाकई क्योंकि आने वाले वक्त में देश और ज्यादा प्रगति करेगा। दो तस्वीरें आज हमने देखी, एक तो सौगात मिली, लेकिन सौगात पीएम नरेंद्र मोदी ने जब दी तो उससे पहले नम आंखों से अपनी माँ को विदा किया उन्होंने। बहुत शुक्रिया गौरव इस जानकारी के लिए। तो अपना कर्तव्य प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नहीं भूले।